हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है एक वीडियो आज की डेट में आ चुकी है चार सौ तिहत्तर रुपए का स्मॉल कैप कंस्ट्रक्शन स्टॉक है जैसे एलएनटी काम करता है सेम एज इट इज काम करता हुआ दिखाई देता है और इसकी ग्रोथ देखेंगे ना तो यहाँ पर वीडियो को देखिए पता चलेगा और यहाँ पर टारगेट देखिए टारगेट काफी बेहतरीन टारगेट नजर आ रहे हैं एल एन टी से ज्यादा ये शेयर आपको रिटर्न देता हुआ नजर आएगा इसमें लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बने रहिए है यहाँ पर बहुत पैसा बनेगा इसके अलावा बात करते हैं आज के डेट में कुछ स्टॉक से रिलेटेड जैसे की थमनेल में आपने देख लिया है उन स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करेंगे चार स्टॉक से रिलेटेड एक बेहतरीन प्राइस पे आ गए और किस प्राइस पे हमें आपको खरीदना है आ, उस शेयर से रिलेटेड वो एक टारगेट मैं आपको बताता हुआ नजर आऊंगा तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा देखिए आप سے, आप यहाँ पर हम करते आपके लिए आप यहाँ पर हमारे चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करिए क्योंकि जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी बेहतरीन वीडियो उतनी ज्यादा वीडियो बनाने का मन करता है कि आपको ये स्टॉक्स के बारे में बताए आपको ये भी बताए आपको दिन में चार पांच वीडियो बना के अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताए तो एक इन कहते हैं ना जिसे या खुद करे आता है ऐसा करे आता है कि आपको ऐसी बत, चीजें बताते रहे तो जितना हो सके सपोर्ट करें आपका चैनल है सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन को हिट करें स्टॉक मार्केट खत्म होने के बाद हमारे साथ स्टेट ढूंढ रही है और हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये नंबर दे रखा है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए ओके यहाँ पर आप मैसेज कर डाल दीजिए व्हाट्सएप पे सिंपली आपको यहां पर जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी उससे रिलेटेड पर बातें करेंगे एज वेल एज हम आपको पोर्टफोलियो भी क्रिएट करा के रहेंगे और बेहतरीन पर सर्विसेज आपको मिलेगी तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले मार्केट की तो सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए निफ्टी फिफ्टी यहाँ पर आज के डेट में अच्छी खासी क्रैश होती हुई दिखाई दी अगेन वही लेवल आते हुए दिखाई दे रहे हैं टारगेट की बात कर रही वही टारगेट सबसे पहले आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी टारगेट की जो हमने बात

पर पैसा डालते हुए दिखाई देंगे और मार्केट को ऊपर ले जाएंगे एट दैट टाइम आप यहाँ पर बेच के निकल जाएंगे फिर आप खरीद नहीं पाएंगे तो दिस इज द टाइम टू बाई अ गुड स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो क्योंकि लंबे आप स्विंग ट्रेडिंग करिए लॉन्ग टर्म करिए अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा तो मार्केट यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एफ ने अभी भी सेलिंग करी है तीन दिन में बट एफ डी ने यहाँ पर उसी के लगभग यहाँ पर बाइंग भी करी है तो इस चीज को याद रखिए ये चलता रहेगा कभी ये बेचेंगे कभी ये खरीदेंगे कभी ये बेचेंगे कभी ये, ये खरीदेंगे तो ये चलता रहेगा बट आपको कहाँ प्रॉफिट हो रहा है और किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेटेजी भी कायम रहेंगे तो याद रखिए मार्केट को जितना सिंप्लीफाइड करके चलेंगे ना उतना पैसा बनाएंगे मार्केट को जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे और जितना कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा तो अपने आप को बिल्कुल चल रखिए जो आ रहा है उसे लेते रहिए जो जा रहा है ओके उसे जाने दीजिए और फिर अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करिए फिर उसे भी बचाने की भी कोशिश करिए कि किस तरीके से अभी इस इस मौके पे चला गया तो अगले मौके पे वो फ, अगर मार्केट गिरे तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसे आप इंप्लीमेंट करते रहिए तो इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर चलता रहेगा ये लाइफ भर का काम है एक दो दिन का काम नहीं है बट अपनी स्ट्रैटेजी पे सीधे बने रहिए तो यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी गिरी जस्ट बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन जो हमारा कोविड का वायरस uh, आया है उसमें स्पूक आया है एक साथ तो वो चीज़ें बढ़ने के कारण यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही है बट याद रखिए इंडिया की जैसा ज़्यादा वैक्सीन किसी में नहीं लगी ओके इंडिया में इतने केसेस अभी भी नहीं आ रहे दूसरी कंट्रीज में आ रहे और ये और जिस तरीके से जी के रेशो आया है जिस तरीके से जी डी पी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई और जिस तरीके से यहाँ पर सब चीज़ सारे बिजनेस सारे रिजल्ट सब कुछ अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला तो ये थोड़ी बहुत गिरावट आती रहेगी थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है

निफ्टी निफ्टी स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि निफ्टी स्मॉल कैप हंड्रेड में भी देखिए अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट थी आ, तो जो एक लेवल पे चल रहे हैं और इसी के आसपास टारगेट भी हमारे नजर आए थे तो यहीं पर यहाँ पर चीजें आके रुकती हुई नजर आ रही है तो चीजों को जो अच्छी चीजें मिल रही है तो आप डिफेंसिस होकर भी खेल सकते हैं और आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो देखिए अच्छे रिटर्न आपको निफ्टी फिफ्टी के कुछ स्टॉक्स में मिल सकते हैं बट इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे तो स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा मिलते हुए नजर आएंगे बट स्मॉल कैप मिड कैप में भी अच्छे स्टॉक्स को चुनना है तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा निफ्टी आई की बात करें निफ्टी आई आज की डेट में अच्छी खासी करेक्ट होती हुई दिखाई दी निफ्टी बैंक भी यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरता हुआ नजर आया तो यहाँ पर इन दैट केस जो स्टॉक्स यहाँ पर नीचे आ रहे हैं तो अगर लॉकडाउन भी लगता है तो यही स्टॉक्स है जो कि अच्छे खासे भागते हुए नजर आएंगे

तो देखिए इंडिया मार्ट एक अच्छा खासा बिजनेस है यहाँ पर देखेंगे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस में एक कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है जिस बी टू बी लैंडस्केप में एक कंपनी काम करती हुई नज़र आती है बी टू बी डिजिटल मार्केटिंग मार्केट प्लेस में एक कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो इंटरनेट बिजनेस से रिलेटेड इनका काम है पैन इंडिया प्रेजेंस है और कुछ नहीं आपको कुछ भी जैसे जजदार में आप सर्च करतेम सेम इट एज इट इज़ आप यहाँ पर भी जाके सर्च कर सकते हैं आपको पूरी एक लिस्ट आ जाएगी फिर आप यहाँ पर होलसेल या फिर जैसे भी आप काम करना चाहते हैं

अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है और अगर बात करते हैं ईयरली बेसिस पे तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई है जो यहाँ पर अगर, अगर बात करें जो कंपनी कभी घाटे में थी वो अगर बात करें पिछले 12 महीने में 306 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट दिया तो ये एक छोटा फिगर नहीं है एक बहुत बड़ा फिगर है रिजर्व की बात करें कंपनी यहाँ पर और देखिए वर्किंग प्रोग्रेस में ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है बस अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना पड़ता है हमेशा तो वही काम है रिजर्व अच्छे खास बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बोरिंग की बात करें सिक्सटी करोड़ की है थोड़ी सी तीन करोड़ की बोरिंग कम करी है इसके अलावा इन्वेस्टमेंट चौबीस करोड़ रुपए का कैश की बात करें फोर्टी करोड़ का कैश है और जो भी पैसा जो भी काम ये करते हैं वहां से पैसा आता रहता है ये यह यहाँ पर दिखा रहे हैं आर काफी बेहतरीन है शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए एफ ने इस पर्टिकुलर

एक साइड बेस जोन में अब चलता हुआ नजर आ रहा है इसमें क्या है आप सिंपल एक काम करिए चीजें जब ऊपर जाती है बेच दीजिए अब यही काम चेक करना है आपको स्विंग ट्रेडिंग ऐसे ही कहते हैं कि चीजें ऊपर जा रही है यहाँ पर बेच दीजिए नीचे आ रही है यहाँ पर खरीद लीजिए फिर इसी तरीके से इसलिए तो कहते हैं बाई उन, बाई जब यहाँ पर नीचे आती है चीजें तब वहां पर बाइंग करिए और जब ऊपर जाती है तब बेचे है। तो इसी को हमारे स्टॉक मार्केट कहते भी है इसी को ही स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं अगर बात करें अच्छा खासा ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ दिखाई ऑलरेडी दे दिया है यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है अच्छे खास लेवल पे आ गया है यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करी यही इसके रेजिस्टेंस है 6900 के आसपास देखिए यहाँ तक जा सकता है शेयर इस चीज को भी याद रखिएगा तो अगर आपको ये यह शेयर यहाँ पर 6900 के आसपास मिलता है तो यहाँ पर बाई बाय ऑन डिफ्स की यहाँ पर रणनीति बनाइएगा और यहाँ से भी आप जो ये प्राइस चल रहा है सेवन के आसपास ये यहाँ पर से भी आप बाइंग कर सकते हो तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कप हैंडल पैटर्न

इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर एक और स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है डी मार्ट डीमार्ट की बात करें काफी बेहतरीन डेट फ्री ये स्टॉक है और लार्ज कैप कंपनी है छोटी मोटी कंपनी नहीं है यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों की बात करें तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स है हाईएस्ट एवर यहाँ पर नंबर कंपनी के आते हुए दिखाई दे रहे हैं कंपनी का परफॉर्मेंस ईयरली बेसिस पे काफी अच्छा है कंपनी के रिजर्व काफी बेहतरीन है बोरइंग थोड़ी सी है वर्किंग प्रोग्रेस में अच्छे खासे पैसे लगे हुए हैं और नए नए स्टोर्स ये खोलते हुए नजर आ रही है अभी ये नॉर्थ में भी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं सेवेंटी के आसपास प्रोमोटर्स डी आई एस ने एफ ने थोड़ी सी होल्डिंग बेची है बट

और सौ दो सौ रुपये और नीचे आता है जो कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है तो अगर ये आता है फोर्टी वन हंड्रेड के आसपास भी आता है और तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करते रहिए अगर चार शेयर के है तो एक एक शेयर के यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए ये शेयर आपको लंबे टाइम में भी अच्छे खासे पैसे और कंसोलिडेशन करते हुए चीजें निकलती हुई दिखाई देगी तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है चीजें थोड़ी सी ऊपर जाके फिर नीचे आ सकती है तो इस चीज को भी याद रखिएगा और ऊपर के लेवल पर फंसने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि ऑलरेडी शेयर बहुत ज्यादा है यहाँ पर अट्ठाईस से छह के भागता हुआ दिखाई दिया है तो ये हो गया इंडिया मार्ट ये हो गया वो इसके अलावा हम बात करते हैं एक और शेयर से रिलेटेड

काफी बेहतरीन है कंपनी को इसी तरीके के पैसे आते रहते हैं प्रमोटर्स की बात करें 38 एफआईएस की होल्डिंग अच्छी यहाँ पर बढ़ी है डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई और पब्लिक की बात करें पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई और जहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग कम होती हुई नजर आए तो याद रखिए वो शेयर यहाँ पर चलते हुए दिखाई देंगे तो यहाँ पर

और थोड़ा सा माइनर और ये शेयर यहाँ पर गिरता है और ये आपको कितने लगभग फिफ्टी फिफ्टी थ्री हंड्रेड और फिफ्टी फिफ्टी फोर हंड्रेड के आसपास तो में ऐड कर लीजिएगा देर मत करिएगा क्योंकि बहुत जल्दी ये शेयर और अच्छा खास लेवल पे और अगर मैं आपको को बताऊं तो जहन के लेवल पर ये आता हुआ दिखाई दे रहा है एक अच्छी खासी पहले भी हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था और यहाँ पर ही हमने बेचा था अब दोबारा यहाँ पर शेयर उसी लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये अपने अलग टारगेट इसने बना दिया तो हमने बात करी है इनफो